أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. محترم ومكرم ومعزز طلباء اور عزیز ساتھیو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: لوگو تجسس میں نہ لوگو. یہ آیت مبارکہ جو قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں چند روحانی امراض کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے متعلق ذکر کیا گیا اور بدگمانی سے منع کیا گیا. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور تم تجسس میں نہ پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. تجسس سے بھی منع کیا گیا. تیسرے نمبر پر ذکر کیا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے. بدگمانی، تجسس یعنی جاسوسی اور غیبت، یہ سب کے سب مہلک روحانی امراض ہیں، اور ان میں سے آج تجسس سے متعلق چند معروضات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ جس طرح آج ہم میں
दूसरे रूहानी अमराज और बीमारियां मौजूद है, झूठ आज आम है, वादा खिलाफी आम है, खियानत आज आम है, गीबत में आज हर एक मुब्तला है, बदगुमानी में आज हम मुब्तला हैं, इसी तरीक़े से आज एक मरज़ और रूहानी बीमारी वो है दूसरे की टोह में लगना, दूसरों की कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करना, दूसरे के अयूब को तलाश करने की कोशिश करना, इससे भी अल्लाह पाक ने मना फरमाया। वला तजस्ससु, तजस्सुस कहते किसे हैं? तजस्सुस कहा जाता है कि खुफिया तौर पर किसी के अयूब की टोह में लगना, दूसरों के हालात खुफिया तौर पर जानने की कोशिश करना, ये तजस्सुस और जासूसी कहलाता है। और देखिए ना, आज ये मरज़ भी आम है दूसरे रूहानी अमराज की तरह। आज हम में किसी को अपनी फ़िक्र नहीं है, हम में से हर एक में कमज़ोरियाँ, रूहानी अमराज और अयूब मौजूद हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम उन कमज़ोरियों को दूर करने की फ़िक्र करें, उनके इस्लाह की फ़िक्र करें, आज हम में से हर एक दूसरों के बारे में टोह लगाने में लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसकी क्या मसरूफियात है, इसके क्या मामलात हैं, क्या ऐसी बात हो सकती है जिस पर मैं मुत्तले हो जाऊं, इसकी कौन सी ऐसी कमज़ोरी है कि जिस पर मैं मुत्तले हो जाऊं, इसके अयूब मेरे सामने आ जाए। और ज़ाहिरी बात है कि ये किसी हुस्न नियत से तजस्सुस कभी नहीं होता, बल्कि इसका दारोमदार और इसकी बुनियाद बदनीयती पर ही होती है, फसाद नियत और कसावत कल्बी पर ही होती है। जब एक चीज़ से अल्लाह पाक ने मना किया तो वो कभी भी नेकनीयती से नहीं हो सकती, ये याद रखें। तो इस चीज़ से शरीयत ने मना किया, हर इंसान अपनी इस्लाह करे। और याद रखें कि क़यामत के दिन दूसरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा किससे, बल्कि हर इंसान से उसके बारे में पूछा जाएगा, सवालात किए जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आज मेरी कोशिश ये है कि मैं दूसरों के मामलात से वाकिफ़ हो जाऊं, दूसरों के मामलात से मुत्तले हो जाऊं, फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सूरत इख्तियार करनी पड़े। एक तो फ़ी नफ्सी ही ये अमल ही जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह है, खुफिया तौर पर किसी की टोह में लगना। और फिर इसके लिए ज़ाहिरी बात है, हम जो ज़राए इख्तियार करेंगे उसमें भी हम यकीनन गुनाह के मुर्तकिब होंगे। मिसाल के तौर पर अब कहीं गुफ्तगू चल रही है, कोई निजी गुफ्तगू है, मशवरा है, मीटिंग है, तो उसके लिए मैं ये अमल भी कर सकता हूँ कि जाकर खुफिया तौर पर कान लगा लूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसके लिए मैं किसी साथी से टोह लगाने की कोशिश कर लूँ, दूसरे की खिदमत हासिल करने की कोशिश कर लूँ, या फिर बाज़ मरतबा किसी के कोई ज़ाती कागजात है, ज़ाती चीज़ें हैं, ज़ाती फाइलें हैं, ज़ाती सामान है, उसकी तलाशी लेना, उसको देखना, इसका भी मैं सहारा ले सकता हूँ। आज ये कितने ही अमराज आम है, एक अमूमी बात आरज़ कर रहा हूँ, ये सब के सब नाजायज़ बातें हैं। किसी का मोबाइल रखा हुआ है, अब मेरे दिल में तजस्सुस आया कि ये तो देखना चाहिए, अब उसको मैंने खुफिया तौर पर खामोशी से उठा लिया और उठाकर मैं अब उसका मुआयना कर रहा हूँ, ये नाजायज़ और हराम है। चाहे जिसका मोबाइल है वो मौजूद नहीं है
ये अमल मैं उसकी गैर मौजूदगी में करूँ तब भी जायज़ नहीं है, या चाहे वो मौजूद है लेकिन बाज़ मरतबा ऐसे भाई यारी दोस्ती का ताल्लुक़ है, या चले भाई थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है तो मैंने उठा लिया, अब मुरुवत में वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा और मैं उसकी इस मुरुवत से फ़ायदा उठा रहा हूँ, बिना जायज़ और हराम है। किसी ने ख़त दिया कि भाई ये ख़त फ़लाँ तक पहुँचाना है और मैंने वो खोल कर रास्ते में उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें आज हमारे माशरे के अंदर राइज है। हम में से हर एक आज ये कोशिश करता है कि भाई ये फ़लाँ क्या कर रहा है, इसके ज़राए आमदन क्या है, इस पर मैं मुत्तले हो जाऊँ, हालांकि उसके मुतालिक न मुझसे दुनिया में कोई सवाल करेगा न क़यामत के दिन मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ये तजस्सुस मेरे दिल के अंदर मौजूद है कि मैं ये जान लूँ उसके असबाब क्या हैं, ज़राए आमदन क्या है, काम क्या है, कारोबार क्या है, मामलात क्या है, रूटीन क्या है, आज मैं इसके पीछे लगा हुआ, इस तजस्सुस में लगा हुआ हूँ। इसी तरह उलमा ने लिखा, किसी से ऐसा सवाल करना या सवालात करना जिसका जवाब देना वो पसंद नहीं करता हो, ऐसा तजस्सुस भी हराम है और ऐसे सवालात में पढ़ना पूछना जायज़ नहीं है जो सामने वाले को नागवार गुजरे। बाज़ मरतबा पूछते भाई आप बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, ऐसे सवालात से मना किया है, आदाब मुआशरत के भी ख़िलाफ़ हैं। और फिर बाज़ मरतबा खुदा न खास्ता ऐसा है पूछने वाला बड़ा है, बड़ी उम्र का है या ख़ानदान का बुज़ुर्ग है या छोटे बड़े का इस तरह ताल्लुक़ ऐसा है कि एक छोटा है एक बड़ा है बुज़ुर्ग है, अपनी बुज़ुर्गी का दबाव डालकर पूछना कि भाई आप क्या करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, अब वो कभी चले यार मैं तो अब छोटा हूँ अब जवाब नहीं दूंगा तो बेदबी के ज़ुमरे में आएगा, कभी बुज़ुर्ग को जवाब नहीं देते, जायज़ नहीं है बड़े के लिए भी ऐसा करना। एक नफ्सियाती दबाव और प्रेशराइज करके प्रेशर डालकर ज़ाती सवालात करना ये जायज़ नहीं है। लेकिन एक बात इसमें समझ लें कि उलमा ने इसमें इस्तिस्नाइयात भी ज़िक्र की है, वो भी अर्ज़ कर दूँ। जैसे हदीस मुबारका में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रईयतिही, कि तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। अब अगर कोई मसूल है ज़िम्मेदार है इस्लाह के लिए तरबियत के लिए अहवाल का मालूम रखना ये ज़रूरी है, और ये याद रखिए ये नाजायज़ तजस्सुस में नहीं आएगा, जायज़ है, बल्कि इस्लाह अहवाल के लिए उसूल व ज़वाबित की पाबंदी के लिए ज़रूरी है। जैसे माँ बाप है, अब माँ बाप अपने बच्चों की निगरानी रखे, उनके हाल अहवाल का तजस्सुस रखे, तो बेटे ही कहें कि भाई ये तो मैं सुन के आया हूँ कि ये जायज़ नहीं है, अब मैं कहीं भी गया था आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, वालिदैन से कहा ये तो तजस्सुस है जो कि हराम है, कतई हराम नहीं है ऐसा तजस्सुस, बल्कि ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है माँ बाप इस्लाह अहवाल के लिए ऐसा करेंगे तो औलाद सुधरेगी और उनकी इस्लाह होगी। इसी तरीके से कोई ज़िम्मेदार है इदारे का, निगरान है, उसकी मातहती में उसकी रियाया है, तालिब इल्म है, शागिर्द है, मुरीद है, तो ऐसे निगरान के लिए इस्लाह अहवाल से अपने आप को बाखबर रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ के दर्जे में। ये तालिब इल्म है क्या कर रहा है, अब अगर कोई कहे कि भाई आप क्यों हमारा तजस्सुस कर रहे हैं, तो ये तजस्सुस में दाखिल नहीं है। हाकिम वक्त हुक्मरान अपनी रियाया की खबरगिरी रखे कि भाई कोई
किसी पर जुल्म न करें, ज़्यादती न करें, ये ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है, रात को मदीने की गलियों में गश्त के लिए निकलते थे और कहीं पर बाज़ मरतबा ये महसूस होता कि भाई इस घर में कोई गुनाह की मजलिस चल रही है, अंदर भी चले जाते, दाखिल हो जाते। ऐसे एक मरतबा हुआ, कोई महसूस हुआ कि अंदर कोई गुनाह की मजलिस चल रही है, नाफरमानी की मजलिस चल रही है, अंदर चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बग़ैर इजाज़त आए हैं, आपने गुनाह का इरतिकाब किया, आपने तजस्सुस का इरतिकाब किया। और मैंने कि मैं सुबह जवाब दे दूँगा, सुबह आ जाना, खलीफा वक्त है। सुबह बुलाया और कहा अल्लाह के बंदे ये तजस्सुस हराम नहीं है, ये तो उस हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है रियाया की खबर रखना। इसी तरीके से किसी इदारे के सरबरा और निगरान और उस्ताद की ज़िम्मेदारी है अपने मातहतों की और तलबा की खबर रखना, ये तो ज़रूरी है। वरना जिस तरह माँ बाप अगर औलाद के हाल अहवाल से बेखबर रहेंगे, औलाद बिगड़ जाएगी, इसी तरह अगर निगरान अपने मातहत, उस्ताद अपने शागिर्द, शेख अपने मुरीद के अहवाल से बिल्कुल लापरवाह रहे, लाउबाली रहे और बेखबर रहे, तो उनके बिगड़ने में क्या देर लगेगी। हम कोई जुनेद बगदादी तो है नहीं, बायजीद बुस्तामी सिर्री सख्ती तो है नहीं कि भाई मुझे निगरानी की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद मुस्लिहुल अहवाल हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो याद रखें, इस किस्म की निगरानी, तजस्सुस, ख़बर रखना ये बिल्कुल जायज़ बल्कि ज़रूरी है। लेकिन इससे हटकर बग़ैर किसी मकसद के, न वो इसकी मातहती में है, न वो इसकी औलाद में है, न वो इसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है, बिला ज़रूरत बिला मकसद किसी की टोह में लगना, किसी के हाल अहवाल जानने की कोशिश करना, खुफिया तौर पर कोशिश करना, किसी के ज़रिए से कोशिश करना या किसी भी ज़राए को इस्तेमाल करके करना, ये नाजायज़ और हराम है। बाज़ मरतबा ये टेलीफ़ोन, अब तो ये मोबाइल आ गए, उस ज़माने में PTCL ये फ़ोन थे तो उसमें दो दो सेट भी होते थे, अब कोई बात कर रहा है, दूसरी तरफ से किसी ने खामोशी से उठा के कान में लगा लिया, या बाज़ मरतबा लाइन मिल जाती है इस तरह, तो अब चलो भाई मुझे अच्छा मौका मिल गया बातें सुनने का और मैं ज़ाती बातें सुन रहा हूँ, ये नाजायज़ और हराम है। इसी तरीके से बाज़ मरतबा दो अफराद या कई अफराद बातचीत करते हैं और अपनी ज़बान में करते हैं, कौमी ज़बान में, मादरी ज़बान में, इलाकाई ज़बान में, और वो मेरे मुतालिक ये समझते हैं मैं करीब हूँ कि शायद ये हमारी ज़बान समझता नहीं है, मिसाल के तौर पर, और मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैंने भी सुकूत इख्तियार किया कि चले इनको लाइल्म रहने दें, गलत फहमी में रहने दें ताकि मैं बातें सुन लूँ, तो ये नाजायज़ और हराम है। या इसी तरीके से बाज़ मरतबा करीब में कोई लेटा हुआ है, सो रहा है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं है, महसूस ऐसा हो रहा है, और करीब में कोई अपनी ज़ाती बातें शुरू कर दे समझ कर, और वो जाग रहा है और वो भी इरादतन व कसदन कान लगा ले, तो ये भी नाजायज़ और हराम है। आप वाक़ सुन चुके हैं हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत बड़े शायर भी थे, कशकोल मजज़ूब उनकी मशहूर है। एक मरतबा सफ़र में थे और आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे थे, पाजामा कुर्ता, सर पर टोपी, शरई दाढ़ी, चेहरा शरीयत के मुताबिक, जैसे आजकल भी हमारा ऐसे हुलिये वालों से मुतालिक ये तासुर होता है कि शायद ये बिल्कुल दुनियावी एतबार से अनपढ़ है, हम ये समझते हैं, तो वो भी समझे शायद सूफ़ी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, इनको तो अंग्रेज़ी आती नहीं होगी, तो जब कोई ज़ाती बात करनी पड़ गई तो उन्होंने अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू कर दी और इनको अंग्रेज़ी पर मुकम्मल अबूर था। लेकिन चूँकि हज़रत थानवी की सोहबत याफ्ता थे, समझ गए कि भाई मेरे लिए तो जायज़ नहीं है, ये अपनी कोई ज़ाती पर्सनल बात कर रहे हैं,
तो फौर उनको टोका कि भाई आप रुक जाएं, आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता तो ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। तो देखें वही शख्स कर सकता है जिसने अपनी इस्लाह की हो। इसी तरह गालिबन हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है, एक मरतबा लेटे हुए थे, करीब में कोई अपनी बातचीत ज़ाती गुफ्तगु करने लगा ये समझ कर कि शायद हज़रत सो रहे हैं, तो फौरन उठ बैठे और फरमाया कि भाई अगर तुम ये समझ कर गुफ्तगु कर रहे हो कि मैं इस वक्त सो रहा हूँ तो मैं सो नहीं रहा, मैं जाग रहा हूँ, तुम्हारी गुफ्तगु सुन रहा हूँ। लेकिन आज हम इस तरह कर सकते हैं? आज तो अगर किसी को ऐसा मौका हाथ आ जाए, हम कह रहे हैं सुनहरी मौका है, बातें सुननी चाहिए, ज़रा मालूमात में इजाफा हो, मालूमात लेनी चाहिए। करीब में आज कोई गुफ्तगू कर रहा हो और आप समझते हैं कि वो गुफ्तगू उन दो के माबाइन है, वो नहीं चाहते तीसरा सुने, लेकिन इसके बावजूद आज हम खूब कोशिश करके, जद्दोजहद करके, हम कान लगा कर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बात मैं ज़रूर सुन लूँ। ये मरज़ आज हमारे अंदर मौजूद है और इससे बढ़कर भी फिर हम उस बात को, चले भाई किसी की बात सुन ली, गलत किया, ये नाजायज़ है, हराम है, फिर उसको किसी तक पहुंचाना, चुगली लगाना, फसाद फैलाने की कोशिश करना, ये उससे भी बदतर गुनाह है कि मैं एक गुनाह का इर्तिकाब तो मैंने किया है खुफिया तौर पर गुफ्तगू सुनकर, और फिर उस गुफ्तगू को आगे नकल करना, किसी के सामने बयान करना, इफ्शा करना, ये मैं दूसरे गुनाह का इर्तिकाब भी कर रहा हूँ। इन बातों के इस्लाह की आज ज़रूरत है हमें। हर इंसान, ज़ाहिरी बात है, एक प्राइवेसी चाहता है और हर इंसान अपने लिए तो अच्छा ही पसंद करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो ख़ानदान के मामलात है, घर के मामलात है, ज़ाती मामलात है, उस पर कोई मुत्तलिअ हो। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि दूसरों के मामलात पर मैं मुत्तलिअ हो जाऊँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बु लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। लेकिन आज हमारे पैमाने दोहरे हैं, आज हमारा मेयार दोहरा है, अलग अलग है, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। अपने लिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे मामलात प्राइवेसी में और सेफ़ रहे, महफूज रहे, लेकिन दूसरे के साथ मेरा मामला क्या है, दूसरे के साथ मेरा रवैया क्या है, अमलन दूसरे के साथ मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके हर चीज़ पर मुत्तले हो जाऊँ, इसका हर मामला मेरे इल्म में आ जाए। और मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में, बदनीयती से ही होगा, इसकी बुनियाद बेस बदनीयती ही है, अच्छी नीयत तो हो ही नहीं सकती। जब एक चीज़ ही जायज़ नहीं है तो उसमें नीयत कैसे अच्छी हो सकती है? लेकिन अपने लिए मैं नहीं चाहता, अपने साथ मैं ये मामला नहीं चाहता, जब नहीं चाहता तो दूसरे मुसलमान भाई के साथ मैं क्यों ये मामला कर रहा हूँ? इस पर आज ज़रा हम गौर कर लें, बैठ जाए, फिक्र कर लें कि आज ये मरज़ क्यों हम में इस तरह आम हो रहा है। एक रूहानी मरज़ है, आज हमारा बल्कि मुआशरे का एक अमूमी मिजाज बन चुका है दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना। क़ुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते या अय्युहल्लज़ीन आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। आज हमें दूसरों के ईमान की फ़िक्र है, दूसरों के आमाल की फ़िक्र है, दूसरों के किरदार की फ़िक्र है, लेकिन अपने आप से आज मैं गाफिल हूँ। आज हर एक दूसरों की टोह में लगा हुआ है, हमें दूसरों का गम और दूसरों की फ़िक्र आज खाई जा रही है, लेकिन मेरे अपने मामला टोटली ख़राब, मिन अलिफिन इलाया इन ख़राब है, उससे मैं बिल्कुल लापरवाह हूँ, इसकी मुझे फ़िक्र नहीं है, दूसरों के फ़िक्र में मुबतला हूँ। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे अपने बयान में, फरमाते हैं हम फिराक़ यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए।
रुस्तम तो पहलवान था ना भाई, दुबले नहीं हुए। फरमाते हैं हम फिराक यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। समझ में नहीं आई होगी बात, बात समझ में आ गई है तो आज यही। हम दूसरों के बोले मुझे इसकी फिक्र है भाई, मुझे फलां की बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र के आसार तो चेहरे पे नज़र नहीं आ रहे, फिक्र के आसार तो गुफ्तगू से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बस मुझे फिक्र है। अपने सिवा मुझे पूरी दुनिया की आज फिक्र है। मेरी ख़ुद की तालीम पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरे बाहर के मामलात कैसे चल रहे हैं, मेरे बड़ों के साथ अदब आदाब के मामलात कैसे चल रहे हैं, वालिदैन के साथ मेरा बर्ताव कैसा है, असातिज़ा के साथ अदब का मामला कैसा है, पड़ोस के साथ मेरा मामला कैसा है, मुझे इसके इस्लाह की आज फिक्र नहीं है, लेकिन बाकी हर एक के इस्लाह की फिक्र आज मुझे है। तो याद रखें कभी भी अपनी इस्लाह की तौफीक नहीं होगी। तो हम में इनफरादी तौर पर मुझ समेत पहले, सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातब करता हूँ कि हर एक को अपने इस्लाह की ज़रूरत है। अहिब्बल लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मुसलमान होने के बावजूद हमारे पैमाने आज अलग अलग हैं, मेयार अलग अलग है। अपने लिए कोई अलग पैमाना और तराजू है, दूसरे के लिए कोई अलग पैमाना और तराजू है। अपने लिए मैं सब अच्छा चाहता हूँ, फिर दूसरे के लिए क्यों बुरा चाहता हूँ? अपने लिए मैं इज्जत चाहता हूँ, दूसरे के लिए मैं बेइज्जती चाहता हूँ? अपने लिए मैं तरक्की चाहता हूँ, दूसरे के लिए मैं क्यों तनज़ुली चाहता हूँ? अपने लिए मैं खुशी चाहता हूँ तो दूसरे के लिए मैं क्यों गम और परेशानी पैदा करने की तलब दिल में है? ये दोहरा पैमाना है, दोहरा मेयार है, और ये हमारे ईमान का तकाजा नहीं है, ये हमारे इस्लाम का तकाजा नहीं है कि हम इस तरह निफाक वाली ज़िंदगी गुजारें। बल्कि जिस तरह मैं अपने लिए खुशी चाहता हूँ, राहत चाहता हूँ, तरक्की चाहता हूँ, भलाई चाहता हूँ, इसी तरीके से अपने मुसलमान भाई के लिए भी दिल में जज्बात रखो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तो सिफ़त ये थी, ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة। ईसार कुर्बानी चीज़ें आज नहीं, ये आज हमारे दिल से निकल चुकी है। आज न ईसार का जज्बा है, न कुर्बानी का जज्बा है, मतलब परस्ती, खुदगर्जी, ये आज हमारे अंदर मौजूद है। और याद रखें कि इंसान की नियत का इंसान के अमाल और अहवाल पर बड़ा असर पड़ता है। नियत खुदा ना खास्ता हम ख़राब रखेंगे, अहवाल ख़राब होंगे, ये एक फितरी मामला है। नियत अच्छी रखेंगे, अहवाल ठीक होंगे। तो आज हम मार खा रहे हैं ख़ुद अपनी बदनीयती से, आज हमने अपनी नियत की ख़राबी से अपने अहवाल को ख़राब कर लिया है। हम तरक्की नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं कि मेरे दिल में दूसरों के लिए बदनीयती है, बुरी नीयतें हैं, मैं किसी का भला नहीं चाहता, तो कभी भी खुद भलाई नहीं पा सकता। आज नीयत तब्दील कर लें, आप अहवाल में तरक्की खुली आंखों से देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, शुरू में जो मौजू शुरू किया गया कि किसी की टोह में लगना, किसी की तजस्सुस में लगना, किसी भी एतबार से, ये एक रूहानी मरज़ है और नाजायज़ और हराम है। लिहाजा हम में से हर एक इस बात का अहद करे कि हम अपने इस्लाह की फ़िक्र करेंगे। चाहे मुझ में तालीमी एतबार से कमज़ोरी है, इस्तेदाद में कमज़ोरी है, किरदार के एतबार से कमज़ोरी है, अदब आदाब के एतबार से कमज़ोरी है, खिदमत के एतबार से कमज़ोरी है, आमाल के एतबार से कमज़ोरी है, मैं तमाम कमज़ोरियों को दूर करने की फ़िक्र करूँ। बाकी कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मुझे इससे सरोकार नहीं है।
अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त के लिए मशाइख की खत्मात शरीफा पढ़े जाएंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मुराकबा होगा। साथी अपने अपने कार्ड निकाल लें, और कुछ तलबा जो पीछे बैठे हैं बातचीत और गुफ्तगू से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़बतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाईन। तमाम साथी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनज़ला अलैक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्री युस्रन इन्ना मअल उस्री युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम युलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين. एक مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم حمید مجید۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات۔ सात मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा या शाफी अल अमराज अल्लाहुम्मा या शाफी अल अमराज। सात मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा या रफी अद दरजात अल्लाहुम्मा या रफी अद दरजात। सात मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा या मुजीब अद दावात अल्लाहुम्मा या मुजीब अद दावात। सात मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। तीन मरतबा पढ़े। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद। तीन मरतबा पढ़े। या खफी अल-लुत्फ अदरिकनी बिलुत्फिकल खफी या खफी अल-लुत्फ अदरिकनी बिलुत्फिकल खफी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारकता अला हमीद मजीद। तीन मरतबा पढ़े। ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला हमीद मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھیں. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھیں. انا لله وانا الیہ راجعون. انا لله وانا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. تین مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل محمد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو بزرگوں کو اعزہ اقارب کو تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو عامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے, سروں کو جھکا لے, زبان کو تالو سے بند کر لے, اپنے خیالات کو یکسو کر لے اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات کا نزول ہو رہا ہے, میرے دل پر اتر رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا دنگ ظلمات
मैल कुचैल दूर हो रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। आँख पुरनम न हो दिल में कुछ गम न हो मकसदे जिंदगी गैर महरम न हो। आँख पुरनम न हो दिल में कुछ गम न हो मकसदे जिंदगी गैर महरम न हो। बेखबर छोड़ आवारगी ये नजर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। मसनूई यार का मसनूई प्यार है मसनूई प्यार में दिल गिरफ्तार है। मसनूई यार का मसनूई प्यार है मसनूई प्यार में दिल गिरफ्तार है। रब की जानिब चलो तेज से तेज तर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। तुझको डिगरी मिली डगरे मौला नहीं तेरे होंठों पे क्यों जिक्रे मौला नहीं। तुझको डिगरी मिली डगरे मौला नहीं तेरे होंठों पे क्यों जिक्रे मौला नहीं। राह शैतान को छोड़ दे बशर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। पुरसुकून जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदा है बेखबर बदनिगाही न कर बदनिगाही न कर। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے ایک ایک طالبہ کو دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں جس مدرسے میں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے ہر ایک کی جائز حاجات اور ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے ہمارے یہاں دور حدیث کے طالب علم سیف اللہ کے دادا کا انتقال ہوا تھا گزشتہ دنوں دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا